गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये इनसाइट्स की 9 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की क्विज़ है। वैसे तो आज 11 अप्रैल है पर थोड़ा सा लेट हो गई, कल मैं बिजी थी, ठीक है, तो इसलिए कोई भी वीडियो नहीं आई, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब कि 9 अप्रैल का। डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज सब ऑर्डिनेट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब कि क्या उसके नीचे होता है। देखो गाइस क्या बात होती है, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर, ठीक है, फाइन। टिल नाउ द डिप्टी स्पीकर इज ऑलवेज इलेक्टेड अलोंग विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब ऑलवेज, ये ऑलवेज शब्द को आपको हमेशा मतलब कि थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, चाहे ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह के शब्द को आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से दबाव देना होगा, ठीक है। तो कैसे इसमें जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स के हैं बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब कैसे इनकरेक्ट है, आप देख सकते हो, जो डिप्टी स्पीकर होता है वो लोकसभा का, वो सबऑर्डिनेट नहीं होता है, बल्कि वो सेकेंड हाइएस्ट रैंकिंग की जो पोजिशन होती है लोकसभा में वो इंजॉय करता है, फाइन। इसके अलावा जब डिप्टी स्पीकर को भी हम कब इलेक्ट करते हैं, जब जैसे लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसी वक्त जब हम स्पीकर को इलेक्ट करते हैं उसी वक्त हम डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट कर लेते हैं, इन जनरल, नॉट ऑलवेज ना ब्रो, इसमें बोला है जनरल, ऑलवेज, फाइन। तो ऑलवेज नहीं है, फाइन। इसके अलावा ये भी है कि एक स्ट्राइकिंग फीचर है करंट लोकसभा का, जिसमें क्या है, मतलब कि जो अभी जो लोकसभा है करंटली में उसमें इवन के डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, फाइन। आर्टिकल 93 के अंदर हम बोलते हैं कि हम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, और इसमें ये भी बोलते हैं कि डिप्टी स्पीकर को हम मोस्टली विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स हम उसको अपॉइंट कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑलवेज शब्द की वजह से ये जो स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई, ठीक है। हाँ, नो डाउट हम डिप्टी स्पीकर को जब स्पीकर इलेक्ट करते हैं उसी के साथ करते हैं, बट अगेन इट्स नॉट ऑलवेज, फाइन। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स जैसे ही लोकसभा में जो न्यू लोकसभा बनती है तब हम क्या कर लेते हैं, उसको इलेक्ट कर लेते हैं, फाइन। तो चलिए हम अपना सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी कंट्रीज आर एमिंग टू अचीव अ नेट जीरो एमिशन सिनेरियो बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेट जीरो एमिशन। देखो आपको पता होना चाहिए नेट जीरो एमिशन क्या होता है, फाइन। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं कि कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता लाइफ में, कभी भी नहीं हो सकता, फाइन। नेट जीरो एमिशन मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू नियर जीरो, भाई नियर जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, फाइन। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा एमिशन को एमिट कर रही है तो वो उस हिसाब से उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब वो एब्जॉर्ब कैसे कर सकती है, एफॉरेस्टेशन करके, कार्बन कैप्चर तरह के किसी भी हिसाब से क्या करके ऐसे डिवाइसेस बनाएंगे, फाइन। नेट जीरो एमिशंस कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक सच एज फॉरेस्ट एंड रिलाइंग ऑन द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको भी बताया नेट जीरो एमिशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर हम कार्बन सिंक्स को ज़्यादा मतलब कि प्रोड्यूस करें, क्रिएट करें, जैसे एफॉरेस्टेशन हो गया, या इस तरह का हम डिवाइसेस यूज करें जहाँ पे हम CO2 को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द नेट जीरो कोल डज नॉट फिगर इन द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। ये गाइस ये बात बिल्कुल करेक्ट है, 2015 एग्रीमेंट का मेन ये एम था कि हमें क्या करना है, जो अपने मतलब कि टेम्परेचर है उसे 1.5 सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 2015 एग्रीमेंट में, लेकिन नेट जीरो एमिशंस के बारे में मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आप देख सकते हो सेवरल कंट्रीज जैसे UK, फ्रांस, ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऐसे लॉज को मतलब कि इनेक्ट कर चुके हैं जिसमें नेट जीरो एमिशंस उन्हें क्या करना है बाय मिडल ऑफ द सेंचुरी अचीव करना है 2060 तक, ठीक है। लेकिन नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही कार्बन न्यूट्रल कर दें, नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना भी कंट्री एमिट कर रही है वो उसी को क्या करे, कंपेंसेट करे, वो कैसे, बाय एब्जॉर्प्शन एंड द रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एसेस, ठीक है। और हम कैसे कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन, अभी बताया, जब हम बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक को क्रिएट करके जैसे फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, या फिर हम एटमोसफेयर में गैसेस को रिमूव कर सकते हैं थ्रू सम एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कार्बन कैप्चर एंड द स्टोरेज, ठीक है। नेट जीरो गोल को 2015 पेरिस एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया गया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ सम ऑपरेशंस इन इंडियन रेलवे। देखो गाइस अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको पक्का पता होगा इस कमेटी में कौन है। देखो पीबिक दोबराय कमेटी थी जिसने बोला था कि हमें इंडियन रेलवेज के कुछ ऑपरेशंस को प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बीबिक दोबराय कमेटी था, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। जो पावर्स होती हैं अंडर दिस सेक्शन ऑफ द IT एक्ट कैन बी एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब कि IT एक्ट के अंडर जो इस सेक्शन की जो पावर होती है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा
क्यों यूज़ किए जाते हैं। फोर, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, प्रिवेंटिंग इंसिटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू द पब्लिक। देखो कैसे चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फाइन, तो इसमें ये बोला कि जो पावर्स हैं अंडर द सेक्शन 69A कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और प्रिवेंटिंग इंसिटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू द अबव। फाइन, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ थ्री सिस्टर्स बाय द WTO सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स एग्रीमेंट। देखो गाइस आपको पता ही है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स में हम क्या करते हैं, जो अगर ट्रेड आपकी हेल्थ या एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, हार्मफुल मतलब हानिकारक पहुंचा सकता है, ठीक है, उस गुड्स के ट्रेड को हम क्या करते हैं, बैन करते हैं। ठीक है, तो थ्री सिस्टर्स कौन कौन सी रिकॉग्नाइज की गई है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, कोडेक्स, एलिमेंटरीज कमीशन, पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। देखो गाइस इसमें देखो जो थ्री सिस्टर्स हैं वो तो एक इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है, कोडेक्स भी है, देखो गाइस हमने पढ़ा हुआ है डेली करंट अफेयर्स में, बट ऑफ कोर्स अब कब पढ़ा था ये तो नहीं पता, पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजेशन ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ भी है। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड द फोर्थ। बाकी आप ये देख सकते हो जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है इज वन ऑफ द थ्री सिस्टर्स रिकॉग्नाइज बाय द WTO, ठीक है, एग्रीमेंट अलोंग विथ कोडेक्स एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी जो 9th अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स क्विज था वो कंप्लीट होता है, बाकी मैं जल्द ही 10th अप्रैल के भी डेली करंट अफेयर्स क्विज लाके इसको कंप्लीट कर दूंगी और कल से सो दैट हम अपना बिल्कुल लाइक ऑन द ट्रैक चलें। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय, टाटा।